टीवी पर रामायण महाभारत के प्रसारण होने से मानो एक बार फिर से वही पुरानी याद ताजा हो रही है, वही पुराने किस्से भी याद किए जा रहे हैं। ऐसे में एक और किस्सा हम आपके सामने लेकर आए हैं। जब जामवंत को रामानंद सागर, जिन्होंने पूरी रामायण का निर्माण किया, उन्होंने जामवंत को भला थप्पड़ क्यों मारा, चलिए बताते हैं आपको इस पूरे किस्से की कहानी क्या है। भालुओं के जामवंत, जिनका किरदार निभाया राजशेखर उपाध्याय ने, जामवंत का किरदार करने के लिए राजशेखर को हर वक्त भालू का मास्क पहने रहना होता था। उनका चेहरा बालों, आर्टिफिशियल लंबी नाक और मुकुट से तकरीबन पूरा छिप जाता था, जो कि आप टीवी पर देख ही पाते होंगे। बाकी शरीर पर नकली बाल होते थे। अतः राजशेखर ऐसा किरदार कर रहे थे जिसके लिए उन्हें कोई पहचान ही नहीं रहा था। बावजूद इसके, राजशेखर ने इस किरदार को पूरे मन से किया था और अपने किरदार को, भूमिका को पर्दे पर जीवंत करने में वो कामयाब भी रहे। जामवंत के किरदार के अलावा राजशेखर ने इस शो में और भी कई छोटे बड़े रोल किए। वो शो में अग्निदेव से लेकर संदेश वाह तक बहुत कुछ बने। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि राजशेखर और रामानंद सागर की पुरानी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को तब से जानते थे जब रामायण का आइडिया भी उनके दिमाग में नहीं आया था। राजशेखर ने विक्रम बेताल में काम किया था। राजशेखर एस्ट्रोलॉजर भी थे और रामानंद सागर को बताया था कि उन पर शनि की 7:30 चल रही है। उन्हें ताश खेलने का काफी शौक था और एक रोज जब रामानंद सागर अचानक राजशेखर के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ताश खेल रहे हैं। राजशेखर ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि सागर साहब ने उन्हें थप्पड़ मारा था। रामानंद सागर ने कहा कि आप इतने अच्छे इंसान हैं तो आप यहाँ ताश क्यों खेल रहे हैं। तब राजशेखर ने बताया कि उन्होंने उसी पल ताश के पत्ते फाड़कर फेंक दिए और उसके बाद कभी ताश को छुआ भी नहीं। राजशेखर ने अपने इसी इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब नाराजगी मिटी तो रामानंद सागर ने पूछा कि कोई कहानी बताइए जिस पर काम किया जा सके। राजशेखर ने रामानंद सागर के यहाँ रखी रामायण की करके कहा कि इससे अच्छी कहानी क्या होगी भला, इसमें एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा, रोमांस सब कुछ तो है। राजशेखर कहते हैं कि इसके बाद रामानंद सागर को रामायण बनाने का आइडिया सूझा। तो अगर देखा जाए तो पूरी कहानी के पीछे जो ये वास्तविक रामायण हमारे सामने आई, ऐतिहासिक रामायण हमारे सामने आई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ राजशेखर यानी कि जामवंत का किरदार निभाने वाले राजशेखर का है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से आरती की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।